नमस्कार, जय हिंद। तो सबसे पहले हम बात करने वाले शाहरुख खान विराट कोहली के बारे में। तभी आपको पता होगा, थोड़े टाइम पहले मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया था ट्विटर पे, शाहरुख खान विराट कोहली दोनों के फैंस के बीच में एक वॉर हो गया था। एक शाहरुख खान के फैंस का कहना था कि शाहरुख खान रियल किंग है, एंड विराट कोहली के फैंस का कहना था कि विराट कोहली किंग है। इसके बाद यार इसी चीज को लेकर यहाँ पर ट्विटर पे काफी बड़ी वॉर हो गई थी दोनों के फैंस के बीच में। इसके बाद कल के दिन में यार शाहरुख खान विराट कोहली यहाँ पर मिले। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, कल था आईपीएल का कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस आरसीबी का मैच। एंड आपको पता होगा कोलकाता नाइट राइडर्स जो शाहरुख खान की टीम है, एंड दोनों के मैच के दौरान यहाँ पर शाहरुख खान भी मैच देखने आए थे। शाहरुख खान वहीं पर विराट कोहली से मिले, उनसे हाथ मिला, उनके साथ डांस वगैरह भी किया। यहाँ पर कुछ फोटोज वगैरह आप देख ही सकते, वीडियो में प्ले नहीं कर सकता ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज। यार इस वीडियो को देखने के बाद काफी सारे लोगों को काफी ज्यादा सही लगा, एंड मे बी अब शायद दोनों के फेस में जो भी वॉर थे यार वो खत्म हो गई होगी। तो चलिए बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। सभी बात कर रहे आनंद महिंद्रा के बारे में। तो आनंद महिंद्रा ने यार रिएक्ट किया एक यूट्यूबर के ऊपर। तो क्या था, एक यूट्यूबर धनंजय टेक जीरो ने यहाँ पर अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, जहां पर बता दें नवी मुंबई में गए थे, वहीं पर एक ब्रिज के नीचे यहाँ पर एक ग्राउंड बनाया हुआ था, कस्टमाइज ग्राउंड, यहाँ पर काफी सारे लोग यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे। उस वीडियो की सबसे पहले छोटी सी क्लिप यहाँ पर आप देख सकते हो। राइट नाउ नवी मुंबई में हूँ मैं, एक ब्रिज के नीचे जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। वो लिटरली ऊपर से गाड़ियां जा रही हैं, हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज बनाई गई है ब्रिज के नीचे जहाँ पे आप आके खेल सकते हो। ये बास्केटबॉल कोर्ट है, अगर आपको बैडमिंटन खेलना है तो ये भी आप यहाँ पे आके खेल सकते हो, एंड ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आके खेल सकता है जब भी खेलना है। अभी तो क्रिकेट खेल रहे हो, अभी बॉल बाहर जाएगा तो कैसे, इसलिए यहाँ पे ऐसा नेट लगाया गया चारों साइड से, तो बॉल भी बाहर नहीं जाता। जिसके बाद क्या था, इसी वीडियो के यहाँ पर आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा, ट्रांसफॉर्मेशनल लेट्स डू दिस इन एवरी सिटी। जिस ट्वीट का धनंजय टेक ने भी रीट्वीट किया था, आनंद महिंद्रा सर रीशेयर्ड अवर वीडियो। ये सारी काफी सही है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। सभी बात कर रहे टाइगर वर्सेस पठान मूवी के बारे में। सबको पता होगा वायरल को जो स्पाई यूनिवर्सेस की कितनी ज्यादा मूवीज कितनी अच्छी परफॉर्म करती है। अभी हाल में पठान मूवी को देख लो कितना ज्यादा उसने कलेक्शन किया था। अभी जो ना वायरल के स्पाई यूनिवर्स को लेकर दो बड़ी अपडेट्स आई है। आपको पता होगा स्पाई यूनिवर्स की यहाँ पर सलमान खान की टाइगर 3 मूवी वाली है। अभी हाल ही में पठान मूवी भी गई थी, पठान मूवी के अंदर में सलमान खान का कैमियो देखने को मिला। लेकिन अब यहाँ पर कुछ रूमर्स निकल के आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि टाइगर वर्सेस पठान यानी कि सलमान खान शाहरुख खान आमने सामने होने वाली है। इस मूवी को यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद को डायरेक्ट किया जाएगा, ये मे बी मूवी हमें 2025 तक देखने को मिल सकती है। 2024 में इसकी जो शूटिंग वगैरह स्टार्ट होने वाली है, काफी क्रेजी सीन होगा टाइगर वर्सेस पठान को आमने सामने देखने में। सिर्फ इतना ही नहीं, वायरल स्पाई यूनिवर्स को लेकर एक और भी अपडेट है। आपको पता होगा स्पाई यूनिवर्स की यहाँ पर वॉर मूवी आई थी जिसमें टाइगर श्रॉफ एंड ऋतिक रोशन हमें देखने को मिले थे। अभी जो है वॉर 2 मूवी आने वाली है, इसमें हमें ऋतिक रोशन के सामने हमें जूनियर एनटीआर देखने को मिलेंगे। ऐसे भी इतना ही नहीं, इस मूवी को ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर आयन मुखर्जी डायरेक्ट करने वाले हैं। ये सारे स्पाई यूनिवर्स आगे फ्यूचर में बहुत सारे ब्लॉकबस्टर देने वाले, तो आप कितने एक्साइटेड हो इसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर करना। दोस्तों टाइगर वर्सेस पठान का जो अनाउंसमेंट था, इसके ऊपर कुछ यूट्यूबर्स ने भी रिएक्ट किया। सबसे पहले यहाँ पर थगेश ने एक ट्वीट किया था, टाइगर वर्सेस पठान आ रही है, टाइगर वर्सेस पठान। इसके बाद आशीष चंचला ने एक ट्वीट किया था, आई होप टाइगर वर्सेस पठान डज नॉट सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टाइगर एंड पठान द क्लाइमेक्स, एंड देन दे रीयूनाइट विद कबीर, पिंग देयर डिफरेंस असाइड इन द टीम ऑफ फिल्म, आई स्वेयर थिएटर्स विल टर्न इनटू स्टेडियम्स। तो चलिए बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। सभी बात कर रहे अमित बड़ाना के बारे में। तो अमित बड़ाना का जो लेगेसी म्यूजिक वीडियो था कल के दिन में जो आउट हो चुका है, जिस किसी ने उस म्यूजिक वीडियो को नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। सभी बात कर रहे सलमान खान के बारे में। सबको पता होगा सलमान खान की अभी मूवी आ रही किसी का भाई किसी की जान, एंड उस मूवी को लेकर काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, लाइक उनके जितने भी सॉन्ग थे उनको लेकर, उनके जान जितने भी डांस मूव थे उनको लेकर। अभी जो ना सलमान खान ने खुद ने उनकी जो किसी के भाई किसी की जान जो मूवी है उसको ट्रोल किया है। पर इसी मूवी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पर इस चीज के बारे में सलमान खान बात करते हैं। वो वीडियो भी यहाँ पर आप देख ही सकते हो। वो आजकल के एक एक बड़े ही कूल डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स के एक इस टाइप की पिक्चर बनाएंगे, वो पिक्चर चलती नहीं है। हमको देखना है हिंदुस्तानी कंटेंट, और ये अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी फिल्म किसी का भाग किसकी चल से ये मुझ पे भारी नहीं पड़ना चाहिए। इनफैक्ट सलमान आपको बोल रहा था कि ये कौन सी पिक्चर है बन, और ये देखो इन्होंने क्या खुद बनाया है। तो चलिए बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। सभी बात कर ले हर्ष बेनीवाल के बारे में। हर्ष बेनीवाल ने रिएक्ट किया जितने भी कंट्रोवर्सीज होती है उनको लेकर, इसी को लेकर यहाँ पर उन्होंने स्टोरी शेयर की थी, इफ समथिंग आई डू रिप्लाई टू समवन इट्स रिक्वेस्ट, आधी कंट्रोवर्सी मत पोस्ट किया करो, अपने मैसेज भी दिखाओ नहीं तो गलत समझ लेते हैं। इसके ऊपर लक्ष्य चौधरी ने भी रिएक्ट किया, अस ब्रो अस। एंड ऑल्सो हर्ष बेनीवाल को अपने नए वीडियो को लेकर काफी सारे लोग क्रिटिसाइज करे, भाई नया वीडियो कब आएगा, तो भाई बॉडी बनाते रहेगा, नया वीडियो कब बना रहा। इसी को लेकर हम उन्होंने एक स्टोरी शेयर की, बताया उन्होंने जो बॉडी वगैरह बना रहे हैं वो नए वीडियो के लिए बना रहे, ना कि खुद के लिए बना रहे। वो स्टोरी भी आप देख सकते हो। मैं लोगों को अपडेट देता हूँ कि हमारा वीडियो का शूट कंप्लीट हो चुका है, आधे दिन का शूट रह गया है। तबीयत ठीक नहीं है मेरी भी और एक को एक्टर की, और इस वजह से शूट हमने आधा दिन का रोक दिया है। और बॉडी इसीलिए बना रहा हूँ, इसी वीडियो के लिए बना रहा था भाई मेरे,
बॉडी बनाते रहोगे भाई, कुछ अलग ना करूं। तो चलिए बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। सभी हम बात कर रहे मैक जो ऑफ के बारे में। मैक जो ऑफ ने यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज शेयर कर यहाँ पर ट्वीट किया था। उन्होंने बताया कि अभी तक उन्होंने अपने चैनल पे काफी सारी वॉइस दी, मतलब 100+ वॉइस यहाँ पर दी। तो इसी को लेकर यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक दिन वो काउंट करने बैठे कि उन्होंने यहाँ पर कितनी वॉइस अभी तक अपनी वीडियोज में खुद की वॉइस यूज करके डिफरेंट वॉइस देखते हैं। यहाँ पर वो काउंट करते हैं, उनको यहाँ पर 5 वीडियो के अंदर उनको 22 अलग अलग वॉइस देखने को मिल गई उनकी खुद की। उन्होंने बताया कि यहाँ पर वो ज्यादा काउंट नहीं कर पाए, वहीं पर वो रुक गए। यहाँ पर कंफर्म है कि यहाँ पर उन्होंने 100+ वॉइस का अभी तक जो यूज किया है, एंड 100+ में से जो वॉइस उनको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है उनको रिपीटेड करते रहते हैं नए वीडियो में। सो बस सर आज के लिए इतनी अपडेट है। आई होप कि वीडियो आपको सही लगा हो। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब।